तो आज का याद यूट्यूब चैनल एक और मिताशीष, और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मतलब मेरे ओपिनियन कि रियलमी एक्स सेवन और एक्स सेवन प्रो आपको ओवर प्राइस क्यों लॉन्च किया है कंपनी ने। उसके दो तीन मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ कि वो रीज़न हो सकता है कि रियलमी एक्स सेवन और एक्स सेवन प्रो आपको जो है ओवर प्राइस मिला है। ऐसा काफ़ी लोग को लगता है कि ओवर प्राइस है, पर मैं अगर रियल में बात करूँ अगर रियलमी एक्स सेवन की तो वो मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि उसके स्पेक्स के हिसाब से थोड़ा ठीक है, बट और एग्रेसिव प्राइस थोड़ी सी हो सकती थी। अगर रख देता, अगर रियलमी वाले कोई रख देते 17-18 thousand तो एग्रेसिव प्राइस हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता फिर, अगर फिर पब्लिक खुश हो जाती। बट उन्होंने रखा 20,000 तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे, बट कोई नहीं, उसमें फीचर भी है, एंड्रॉइड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट है वगैरह वगैरह, डायमंड सिटी 800 हो सकता है। अभी प्रोसेसर भी महंगे को मिले होंगे क्योंकि न्यू प्रोसेसर है 5G, तो हो सकता है इसके लिए फ़ोन महंगे हो, पर लोगों ने आस लगा के बैठ गई थी कि हमको मिलेगा वो 15,000, 16,000, 17,000 का रियलमी एक्स सेवन। और बात कर लीजिए रियलमी एक्स सेवन प्रो की, तो एक्स सेवन प्रो तो मेरे को टोटली ज़्यादा ओवर प्राइस, क्योंकि हो सकता था इसमें कि वो रख दे 26-27 अराउंड रख देते तो बहुत एग्रेसिव प्राइस होती है और क्लियर फोन आता वो मिड रेंज में, बट उसका अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगी मेरे को 30,000, उसमें 8GB रैम 128GB स्टोरेज आपको मिल जाता है। और एक बात काफ़ी अच्छी है इसमें कि 1000 प्लस डायमंड सिटी का प्रोसेसर आपको मिलता है और 120Hz का रिफ्रेश रेट विद सुपर एमोलेड, जो कि अब तक का पहला फ़ोन है 30,000 में जो कि आया है। बट अगर आपको मैं मेन रीज़न बता दूँ कि क्या है तो आप देख लो, ये देखिए, तो ये है मेन रीज़न कंपनी का प्राइस हाई प्रकनी का ज़्यादा, वो भी क्यों, क्योंकि सलमान खान जो है सेलिब्रिटी नॉर्मल नहीं है, वो भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, और उसके सिर्फ अगर एक फ़ोटो अगर वो खींचता है पकड़ के फ़ोन, तो ऑब्वियस ही बात है फ़ोन का प्रॉफिट उनको, जो उनको पैसे लगे फ़ोन का जो स्पॉन्सरशिप देने में उनको सलमान खान को, तो उसका जो है प्रॉफिट लोग फ़ोन से ऑब्वियसली निकालेंगे। तो रियलमी एक्स सेवन प्रो खास करके इसीलिए ओवर प्राइस है, क्योंकि समझ सकते हो ब्रांड एम्बेसडर कह लो या फिर उस फ़ोन के लिए, या तो रियलमी 6 से ही सलमान खान जी जो है वो कर रहे हैं स्पॉन्सर, मतलब जो है उनका वीडियो बना रहे स्पॉन्सर करें, ठीक है, मतलब रियलमी वालों ने स्पॉन्सर किया। तो जब से जो है प्राइस थोड़ी हाई रखने चालू कर दी है रियलमी ने, पर पहले जब रियलमी 5 तक कोई इनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं था, कोई इनका वो नहीं था स्पॉन्सर, तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखते थे उस टाइम पे। हम इसी भी ज़्यादा अच्छी प्राइस लोग रख रहे थे एग्रेसिव, जो कि जब उनको फ़ोन काफ़ी अच्छे मिलते थे हम सबको लोग को, पर अब जो है इसका पूरा उल्टा हो चुका है, वो भी हो चुका है, और अभी MI वालों ने भी सोनू सूद से जो है वो कर लिया, स्पॉन्सरशिप ले लिया, तो अब उनके फ़ोन भी महंगे होने वाले, तो फ़ायदा है नहीं, चाहे रियलमी लो चाहे रेडमी, दोनों के फ़ोन आपको महंगे मिलने वाले कुछ भी कर लो। पर हाँ, ये रियलमी एक्स सेवन प्रो ठीक है, लेकिन मेरे को ओवर प्राइस लगा पता नहीं क्यों, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी जो है टेक्नोलॉजी का और सबको भी लगता है कि 26-27 thousand का लॉन्च होना चाहिए था, तो एग्रेसिव प्राइस हो जाती। तो बस इतना ही रीज़न था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।